पब्लिक पीछे हो गई, ये चोर है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो कोई मुद्दा खराब हो रही है। लोकसभा चुनाव में का मुद्दा बनाया है, राम को लाने की इनकी औकात है। ये राम के सहारे आए खुद, इनकी औकात है राम को लाने की। ये राम को लाएंगे, इनकी औकात क्या है राम को लाने की? ये तो खुद डर के मारे राम को लाए ताकि ये वोट के नाम पे वोट मांग रहे हैं। ये राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, इनकी औकात नहीं है कुछ। आप लोग वोट देते, इसकी सच्चाई क्या है? ये नंबर वन के चोर चाय बेचने वाले हैं जो जनता के पैसे से हवाई यात्रा हो रही है। ये हवाई यात्रा नहीं हो रही, 15-15 लाख का सूट, ये 12-12 लाख के सूट कहाँ से आ रहे हैं? इसके चौकीदार को महिलाओं को सम्मान ही नहीं करना आता। इसके लिए जनता के लिए काम कर रहे हैं वो, बहुत काम कर रहा है। जो भी चौकीदार चोर है, जो भी मैनिफेस्टो उन्होंने दिया एक भी पूरा नहीं करा। केजरीवाल ने जो मैनिफेस्टो दिया वो पूरा करा। नमस्कार, मैं नूर जौहर, आप देख रहे हैं जनित आवाज। जिस तरीके से झारखंड की सीएम गिरफ्तारी के बाद अब ये समझा जा रहा है कि शायद अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो सकते हैं, तो इसी सब चीजों को लेकर यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी उनका प्रोटेस्ट चालू है। हम एक बार आपको विजुअल दिखा देते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे लोग एकत्रित हो चुके हैं और लगातार जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या बंद करो और तानाशाही बंद करो। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है, इन्हीं से सीधे तौर पर बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे आप? लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की बारी है। तो क्या हो गया वहाँ? क्या दिक्कत थोड़ा है कुछ वहाँ पे? वो हम सब तैयार हैं केजरीवाल के साथ जाने के लिए। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे, दिल्ली कैसे चलेगी? जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे ना। अगर केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, पूरी दिल्ली जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी, पूरा देश जेल भरो आंदोलन शुरू करेगा। ऐसे तो लोग गिरफ्तार होते चले जाएंगे, जेलें कम पड़ जाएगी ना बेटा। उनके पास इतनी जगह कहाँ है? पूरे देश को अंदर कर देंगे तो देश कहाँ बचेगा फिर? ये सब तानाशाही चल रही है तो तानाशाही नहीं चलने देंगे। मोदी चाहे तौर पर प्रधानमंत्री के विरोध में नारे लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, इस तरीके के नारे लगा रहे हैं। नहीं, मुर्दाबाद तो नहीं बोल रहे हम। अभी आप बोल रहे थे सब। नहीं नहीं, किसी ने नहीं बोला मुर्दाबाद, वो हमारे आदरणीय हैं। हम मुर्दाबाद थोड़ी बोलते हैं, चोर वो चोर हैं, चोर मुर्दाबाद। जो उन्होंने चोरी सरेआम चंडीगढ़ में सरेआम चोरी करते हुए पकड़े गए हैं कैमरे के सामने, तो इसलिए चोर को चोर नहीं बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? जब ईडी जब ईडी बुलाती है केजरीवाल को तो जाते क्यों नहीं है? केजरीवाल पूछताछ के लिए तो बुला रही है। उनका बुलाने का तरीका गलत है ना, वो बताते नहीं किस हैसियत से बुला रहे हैं। चार बार केजरीवाल साहब जी ने पूछ लिया, भाई हमें बताइए तो आप किस हैसियत से मुझे बुला रहे हैं, तो बता ही नहीं। ईडी जवाब ही नहीं दे रही, ईडी खुद फंसी पड़ी है। तो एक बार पूछताछ के चले तो जाए, अब समर्थन सहयोग करे उनका। तो वो कहाँ भागे हैं? वो तो यहीं तो हैं, कहीं भागे थोड़ा हैं। वो अपने सवाल दे दें पेपर पे लिख के, मीडिया में दे दें, भाई हमारे ये सवाल हैं, वो जवाब दे देंगे। आप मोदी के खिलाफ यहाँ एकत्रित हुए, वहाँ मोदी विकास कर रहे हैं, विकसित राष्ट्र बना रहे हैं। क्या क्या बना रहे हैं? विकसित राष्ट्र बना रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, विकसित राज्य बना रहे हैं। हर आदमी को मजबूर कर रहे हैं, हर आदमी को भिखमंगा बना रहे हैं, हर आदमी को लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लेके फिर विदेश भाग जाओ। ये नहीं दिख रहा है कि देश कितना आगे बढ़ गया है? मैं तो यही कहूँगा, मोदी जी चाय बेचते बेचते सारे देश को बेचने लगे हैं। चाय बेचते बेचते देश को ही बेचने लगे हैं। तो दो लाइनें मैं आपको सुनाऊंगा। अरे चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। अरे महंगाई की मारी दुनिया, महंगाई की मारी दुनिया, कर रही हाहाकार,
कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। धन्यवाद। वो 24-24 घंटे काम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कहाँ सोया है चौकीदार। 24-24 घंटे विपक्ष की सरकारों को गिराने में, उनके MLA को खरीदने में सारा टाइम उसी में लगाते हैं वो, और कोई घंटे 24 घंटे हो गया और कोई काम नहीं करते। 18 घंटे का 24 घंटे हो गए इनको, अभी तक तो 18-18 घंटा सुनने वाला था। घंटे काम करेगा ना वो पागल हो जाएगा। तो वो ही देश के लिए जनता के लिए काम कर रहे हैं वो, बहुत काम कर रहा है। जो भी चौकीदार चोर है, जो भी मैनिफेस्टो उन्होंने दिया एक भी पूरा नहीं करा। केजरीवाल ने जो मैनिफेस्टो दिया वो पूरा करा। 40 तक विकसित राष्ट्र बना देंगे वो, कुछ नहीं बनेगा। 2014 में ये आए थे गुजरात मॉडल लेके, आज कहाँ है गुजरात मॉडल। उसके बाद आए 15 लाख बुलेट ट्रेन, कहाँ जोड़ रही है हमने तो आज तक नहीं देखी, जापान चाइना के अलावा देश में तो आई नहीं। इनसे ये नहीं दिख रहा है क्या देश कितना आगे बढ़ चुका है, विश्व गुरु बन चुका है। बड़ा लोग पीछे हो गए, पब्लिक पीछे हो गई, चोर है सारा देश, चोर है सब कुछ, महंगाई बढ़ती जा रही है, देशों में डंगे बढ़ रहे हैं भारत के, देश वाले परेशान है अपने देश में, सभी पब्लिक परेशान है महंगाई के चलते हुए, ये वोटों के चलते हुए। इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं है बिल्कुल भी, कोई किसी चीज़ पारदर्शी नहीं है, EVM में धोखाधड़ी हो रही है, इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कोई नहीं। राम मंदिर बन गया तो थोड़ी महंगाई तो सहनी पड़ेगी ना। राम मंदिर की जरूरत नहीं थी, पहले तो लोगों को रोजगार की जरूरत है, अच्छी शिक्षा की जरूरत है, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है। राम मंदिर पहले शिक्षा स्वास्थ्य की जगह देंगे। राम मंदिर लोग साथ थे राम मंदिर के, राम मंदिर के बाद अब धीरे धीरे सब कुछ बना देंगे। राम मंदिर बनाना गलत नहीं है, लेकिन राम मंदिर की, राम को लाने की इनकी औकात है, ये राम के सहारे आए खुद, इनकी औकात है राम को लाने की। आपने पोस्टर नहीं देखा कि हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं अपने आप मानते राम को भगवान को, राम इनको लाए हैं, ये राम को लाएंगे, इनकी औकात क्या है राम को लाने की। ये तो खुद डर के मारे राम को लाए ताकि ये वोट के नाम पे वोट मांग रहे हैं, ये वोट हो गया कि पता नहीं मेरी सीट जा सकती है, राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, इनकी औकात नहीं है कुछ। आप लोग वोट दे क्यों रहे हैं, अपनी बात 400 बार दावे वादे कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी चोर है, महाचोर है, पूरा हमारे प्रधानमंत्री को आप चोर बोल रही हैं। नहीं वो पक्का चोर, वो हमारे केजरीवाल को नहीं बोलते, वो हमारे अरविंद केजरीवाल को क्यों बोलते हैं, हम तो बोलेंगे ना। हमने बात करने के लिए बुला रहे हैं ईडी वाले और सहयोग नहीं दे रहे हैं। बात करने किसको बुलाया, संजय सिंह को बुलाया अंदर कर दिया, मनीष सिसोदिया जी बुलाया अंदर कर दिया, सत्येंद्र जैन को बुलाया अंदर कर दिया। इन्होंने पहले बुलाया था 8 महीने पहले, 6 महीने पहले। चोर है, चोर है, इन्होंने कितना बुरा करा है। बता दीजिए इसकी सच्चाई क्या है, ये नंबर वन के चोर, चाय बेचने वाले और दिल्ली की जनता को बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए, तो आपको तकलीफ हो रही है। जनता का पैसे से हवाई यात्रा का चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर। विदेशों का संबंध अच्छे सुन लीजिए, विदेशों के संबंध अच्छे कर रहे हैं। आप क्यों पक्ष कर रहे हो मैडम, आप तो सच्चाई बनाओ ना, आप सच्चाई बताइए ना। मैडम यही है, मैं सच्चाई बताती हूँ, गिनती इनको नहीं आती। 20 वाला तो बाहर निकल जाता है, 16 वाला मेयर बन जाता है, कभी होता है ना। और अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो कोई मुद्दा नहीं ले रहा, हो रही है लोकसभा चुनाव में का मुद्दा बनाया है। आप भी चुनाव से पहले प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं, क्यों नहीं उतरेंगे, पहले उतरेंगे, हमारा अधिकार बनता है। ये प्रोटेस्ट नहीं, हमारा अधिकार है, ये अधिकार है, ये जनता का अधिकार है। जो जनता के पैसे से हवाई यात्रा हो रही है, ये हवाई यात्रा नहीं हो रही। 15-15 लाख का सूट, ये 12-12 लाख के सूट कहाँ से आ रहे हैं। इसके चौकीदार को महिलाओं को सम्मान ही नहीं करना आता, आपको पता है महिलाओं का सम्मान कहाँ हो रहा है। सबसे ज्यादा सम्मान भाजपा सरकार करती है महिलाओं का, कहाँ दिख रहा है बताइए, कहाँ दिख रहा है। मेरे पास वीडियो फोटो है जिसमें फोटो आई थी अयोध्या के अंदर, क्या हुआ की अयोध्या के, ये देखिए ये वीडियो, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है जो कि अयोध्या के किसी मठ या किसी भी उसमें है, जो उसमें और रेप के मामले में पकड़ा गया था। तो BJP जो क्या नाम है कि उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहती। अगर BJP हमारे इतने बड़े पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री, अगर वो सत्य हैं एकदम, यानी कि जनता के लिए हित के लिए सोचते हैं, तो वो क्या नाम है कि ऐसे खुलेआम जो जनता या देश के अंदर लोगों के साथ अगर जो घटनाएं घट रही है उस पर क्या नाम है कि एक नैतिक जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते। अब सपोज करो एक
चंडीगढ़ के अंदर चुनाव हुआ, एक तरफ 20 वोट हैं, एक तरफ 16 वोट हैं, तो आप मेरे को ये बताइए 16 वाला जीतेगा या 20 वाला जीतेगा? अगर अनपढ़ आदमी होगा तो 16 को जिताएगा, पढ़ा लिखा आदमी होगा तो वो 20 को जिताएगा। तो इनकी ये समझ में नहीं आता, जो अनपढ़ होगा तो वो देश को अनपढ़ दिशा में लेके जाएगा, ठीक है। ये एजुकेशन पे बात नहीं करना चाहते, ये हेल्थ पे बात नहीं करना चाहते, ठीक है, जिससे कि हमारे युवा बच्चे आने वाली जनरेशन उनको सिर्फ क्या कहते हैं कि पकोड़े तलो। आप लोग मेहनत करते हो, ये आज के युवा बच्चे मेहनत करते हैं, आईआईटी के जो कॉलेज बनने चाहिए उस पर ये बात ही नहीं करना चाहते। बिहार के अंदर ये बाहर देश में गए थे, वहाँ पे ये अपनी बाइट दे के आए, उसमें कहने लगे कि हर हफ्ते एक आईआईटी बन रहा, एक एम्स बन रहा। तो मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा कि इतने बड़े पद पे बैठ करके इस पद की गरिमा को अनदेखी करते हुए और खुलेआम झूठ झूठ बोल रहे हैं। जो साफ साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां मोदी जी बोलते हैं कि अब की बार 400 पर, आप यहां पे जनता से ही सुन लीजिए, जब जनता ही साथ नहीं है तो कैसे दावे के साथ बोल सकते हैं कि अब की बार 400 पार, और महिलाएं तक साथ नहीं है, जहां वो कहते हैं कि हम महिला की सुरक्षा में काम करते हैं, महिलाओं तक ने बोल दिया कि कोई सुरक्षा में काम नहीं करते हैं, जहां जहां महिलाओं के रेप का मामला आपने देखा वहीं पे बीजेपी का हाथ कहीं ना कहीं होता ही होता है, और यहां पे भी आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, उससे पहले बैरिकेडिंग कर दी गई है यहां पे कि जा ही ना पाए वो भाजपा कार्यालय। अब देखना यह है कि जो अब इनका प्रदर्शन है उनको जाने देते हैं कि नहीं जाने देते हैं, या फिर डिटेन कर लेते हैं। बाकी आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।